जिसके बाद से ये आंकड़ा बढ़ गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर जो कि स्कूल खोलने से जुड़ी हुई खबर आ रही है, स्कूल खोलने से जुड़ी हुई बड़ी खबर, 11वीं और 12वीं के स्कूल खुल सकते हैं। आपको बता दें हरियाणा सरकार इन दोनों ही क्लास को खोलने के विचार कर रही है, जो 11वीं और 12वीं के स्कूल हैं उन्हें खोलने का विचार किया जा रहा है सरकार के द्वारा। 17 मई के बाद से ये स्कूल खुल सकते हैं, 17 मई के बाद ये स्कूल खोले जा सकते हैं। स्कूल खोले जाने को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की हरियाणा से, जहां 11वीं और 12वीं के स्कूल खुल सकते हैं, 11वीं और 12वीं के स्कूल खुल सकते हैं 17 के बाद। हरियाणा सरकार कर रही है इस पूरे मसले पर विचार, और बता दें कि ऐसे बताया जा रहा है कि 17 मई के बाद से ये स्कूल खोले जा सकते हैं। जिस तरह से लंबे समय से स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ठप पड़ी है, पूरा जो पढ़ाई की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है, ऐसे में 11वीं और 12वीं के स्कूल खोले जाने पर विचार किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और 11वीं और 12वीं के स्कूल खोले जा सकते हैं। हरियाणा सरकार इस पूरे मसले पर विचार कर रही है। पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, क्या कुछ अपडेट्स हैं इस खबर से रिलेटेड? जी बिल्कुल, हरियाणा के शिक्षा मंत्री अमरपाल गुर्जर ने कहा है कि 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोलने पर हरियाणा सरकार विचार कर रही है। फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है, केवल विचार मंथन जो है वो किया जा रहा है। 11वीं और 12वीं की कक्षाएं लगाने को लेकर ये मंथन जो है वो सरकार कर रही है। शिक्षा विभाग ने दोनों कक्षाओं के छात्रों के अलग अलग ग्रुप बनाकर स्कूल लगाने का फैसला जो है वो लेने का विचार किया है। हालांकि अभी फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि इस मामले में आज जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस इससे पहले हो चुकी है, उसमें केंद्र की कोई गाइडलाइन का भी इंतजार है, और साथ ही सरकार अपने स्तर पर अभी इस मामले में विचार कर रही है। जी बिल्कुल पवन, क्योंकि अगर ये स्कूल खोले जाते हैं तो जो छात्र हैं उनके लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में लगातार केस सामने आ रहे हैं, एक दिन में 11 नए मामले सामने आ रहे हैं। पवन, देखिए अगर सरकार स्कूल खोलने का फैसला करती है तो छात्रों को ग्रुप में बुलाया जाएगा, सोशल डिस्टेंस बरकरार रखा जाएगा, छात्रों के हित में ही उनकी जो पढ़ाई है वो प्रभावित और ज्यादा ना हो, इसको लेकर ही सरकार रणनीति बना रही है। सरकार का यही मकसद है कि बच्चों के लिए जो है उनका जो शैक्षणिक क्षेत्र है उसका नुकसान ना हो। ऐसे में तमाम जो गाइडलाइन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की, उनको फॉलो करते हुए सरकार कोई इस मामले में कदम अगर उठाती है तो वो उठाएगी। फिलहाल सरकार ने ऐसा विचार किया है, आधिकारिक फैसला अभी नहीं लिया गया है। चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि 17 मई के बाद हो सकता है स्कूल खोले जाए 11वीं और 12वीं कक्षा वाले, क्योंकि स्कूल खोलने पर सरकार विचार कर रही है। जिस तरह से बच्चों की जो पढ़ाई है वो रुकी हुई है, इसी को लेकर हरियाणा सरकार ये विचार कर रही है कि 11वीं और 12वीं के स्कूल जो है वो 17 मई के बाद खोले जाए। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो तमाम जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी जाएंगी। स्कूल खोलने को लेकर विचार विमर्श किया जा सकता है, 11वीं और 12वीं के स्कूल खुल सकते हैं 17 मई के बाद।